हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एनी स्टाइल। सो गाइस, आज के टाइम में कौन नहीं चाहता है कि उसके बाल काले हो, क्योंकि आज के टाइम में बाल समय से पहले ही सफेद हो रहे हैं। मैंने कई टीनेजर्स गर्ल्स को देखा है जिनकी एज 12, 13, 14 है, बट उनके बाल अभी से ही सफेद होने लग गए हैं। पहले के टाइम में आपने देखा, हमारी दादी नानी जो हमारे बालों में तेल लगाती थी, उस तेल से हमारे बाल कई सालों तक काले ही रहते थे, और यहाँ तक कि बाल मजबूत रहते थे, इतनी मोटी चोटी बनती थी। बट आज के जो ऑयल मार्केट में मिलते हैं, उनमें कई केमिकल्स होते हैं जिनसे बाल समय से पहले ही झड़ने लग जाते हैं, टूटने लग जाते हैं, क्योंकि हम सभी चाहते हैं कि हमारे बाल लंबे, घने, काले हो, सुंदर हो और शाइनिंग। हर कोई चाहता है कि हमारे बाल शाइनिंग करें। तो आज मैं आप सभी के साथ एक ऐसा हेयर ऑयल लेकर आई हूँ जिसे मैंने घर पर खुद बनाया है और मैं खुद भी यूज करती हूँ। मैं मोस्टली जब भी मुझे लगता है कि मेरे बाल झड़ने लग गए हैं, तो मैं इसी टाइप के हेयर ऑयल लगाना स्टार्ट कर देती हूँ, जिससे मेरे बालों की जो ग्रोथ है वो तो बढ़ती है, साथ ही साथ हेयर फॉल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होती है वो मेरे ठीक हो जाती है, बाल बढ़ने लग जाते हैं, बाल काले भी रहते हैं। आपके बाल काले, घने, लंबे रहे तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, आप घर पर ही ऑयल बना लिया कीजिए जिससे आपको नेचुरल इंग्रेडिएंट्स मिले, साथ ही साथ 100% उनका असर हो। तो आज मैं आप सभी के साथ आंवला हेयर ऑयल शेयर करूंगी जिसे मैं घर पे खुद बनाती हूँ। बहुत से लोग इसलिए नहीं बना पाते हैं क्योंकि उनको बनाना नहीं आता है कि किस तरीके से बनाना है। बहुत सिंपल स्टेप है, देखते हैं इस ऑयल को कैसे बनाना है जिसे मैं घर पे खुद बनाऊंगी, साथ ही आपको लगाने का तरीका भी बताऊंगी कैसे लगाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो स्टार्ट। सो गाइस, इस हेयर ऑयल को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आंवले लिए हैं जो कि आपको मार्केट में मिल जाएंगे, और इन्हें आपको इस तरीके से बारीक बारीक कट कर लेना है, और इनके बीच में जो गुठली होगी उन्हें आपको निकाल देना है, उन्हें आपको नहीं लेना है, वरना ये अच्छे से ग्राइंड नहीं हो पाएंगे। सो गाइस, सबको मैंने अच्छे से कट कर लिया है और इनके बीच के जो बीज थे उनको मैंने अलग साइड कर लिया है। अब इन्हें मैं अच्छे से मिक्सर में ग्राइंड करूँगी। ज़्यादा मिक्सर में आपको ग्राइंड नहीं करना है, बारीक नहीं करना है और पानी नहीं मिलाना है। सो गाइस, इसे मैंने मिक्सर में अच्छे से ग्राइंड कर लिया है और ये थोड़ा बुरबुरा टाइप का है, ज़्यादा बारीक अपन को नहीं करना है वरना वो जल जाएगा। सो ये पूरा मैंने एक जार में निकाल लिया है। अब मैं कढ़ाई में तेल डालूंगी। सो गाइस, मैं यहाँ पर कोकोनट ऑयल नहीं ले रही हूँ क्योंकि कोकोनट ऑयल सर्दी में जम जाता है, इसलिए मैं यहाँ पर रिफाइंड ऑयल ही ले रही हूँ। आप चाहे तो तिल्ली का तेल, जो भी आपके पास है आप वो ले सकती हैं, और आपको गैस को बिल्कुल धीमी आँच पर इसको डालना है और इसको हल्की आँच में ही आपको पकाना है। इस तरीके से आपको हल्की आँच में इसको पकाना है। थोड़ी देर तक आप इसे ऐसे ही छोड़ दीजिए जब तक ये हल्का ब्राउन नहीं हो जाए, और ये ऑयल नहीं छोड़ दे तब तक हमें इसको इसी तरीके से गैस पे पकाना है। गैस आपको तेज नहीं करनी है। सो गाइस, आप देख सकते हैं इस तरीके से ये धीरे धीरे ऑयल छोड़ रहा है। विटामिन्स में आंवले में काफ़ी मात्रा में विटामिन्स पाए जाते हैं। सो गाइस, आप देख सकते हैं किस तरीके से ये हल्का हल्का ब्राउन हो गया। इसे ठंडा करने के लिए आपको छोड़ देना है, और ठंडा होने के बाद कोई भी कॉटन का कपड़ा या चलनी से आपको इस तरीके से छान के निकालना है। आप कॉटन का कपड़ा भी ले सकते हैं, बट मेरे पास अभी चलनी है तो मैं चलनी से इसे अच्छे से छान रही हूँ। इस तरीके से आपको पूरा तेल इसका निकाल लेना है। ये हमारे बालों की ग्रोथ के लिए, बालों की शाइनिंग के लिए, बालों को काला करने के लिए बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल है। सो गाइस, ये ऑयल हमारा निकल गया है। इसे आपको एक डिब्बे में भर के रख लेना है, जब भी आपको ज़रूरत पड़े आप थोड़ा थोड़ा अपने बालों में लगाते रहें, क्योंकि ये एक प्योर ऑयल है। बाज़ार में जो आंवले का ऑयल आता है वो इतना प्योर नहीं रहता है, और इससे आपको इस तरीके से अपने बालों में स्कैल्प करना है, लगाना है, सो जिससे ये अच्छे से आपके बालों में लग जाए। वीक में 2 टाइम्स आप इस तरीके से लगा सकती हैं। ये एक बहुत ही नेचुरल इंग्रेडिएंट्स ऑयल है, और हम सभी जानते हैं कि आंवला हमारे बालों की ग्रोथ के लिए, बालों को काला करने के लिए बहुत ज़्यादा ही बेनिफिशियल है। तो गाइस, इस ऑयल को आप एक बार ज़रूर घर पे बनाइए। उसके बाद अगर आपके हेयर फॉल की प्रॉब्लम हो रही है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम हो रही है, बाल समय से पहले सफ़ेद हो रहे हैं, बाल नहीं उग रहे हैं, तो सब आपके प्रॉब्लम्स इस ऑयल को लगाने के बाद ख़त्म हो जाएगी। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।